आज 14 मई सुबह की ताज़ा खबरें पाने के लिए एमके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। राजस्थान में कोरोना के एक्टिव केस 16,11,890 केस। राज्य में 15,870 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना के कुल मामले राज्य में 8,21,525। राज्य में कोरोना से 24 घंटे में 159 मौतें हुई है। कोरोना से राज्य में अब तक 6,317 मौतें हो चुकी हैं। राज्य में कोरोना से 24 घंटे में 12,929 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राजस्थान से जुड़ी पल पल की खबर पाने के लिए एमके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की किस्त आज 14 मई को होगी जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह 11 बजे पीएम योजना के तहत अगली किस्त जारी करेंगे। राजस्थान के गांवों से ग्राउंड रिपोर्ट। घर घर में सर्दी जुकाम खांसी के मरीज। झोला साफ, डॉक्टरों का सहारा। तड़पते हुए एक के बाद एक दम तोड़ रहे नागौर के गांवों में फैल रहा कोरोना। सरपंचों ने अपने स्तर पर कर्फ्यू लगाया। गांवों से बाहर निकले तो 11,000 का जुर्माना। कोरोना के चलते शहरों में अंतिम संस्कार के लिए लगी कतारों के बीच अब गांवों के हालात भी बेहद खराब हो चुके हैं। ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हम राजस्थान के नागौर जिले के इन गांवों बड्डू जलीला और हरनामा पहुंचे। हर गांव में 5,000 से 12,000 तक की आबादी है। इन सभी गांवों में पिछले 15 दिन से मौतें अचानक बढ़ रही हैं। बड्डू में 19, जलीला में 17 और हरनावा में 13 मौतें मिलाकर अब तक की तकरीबन 49 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के गांवों के हालात बिल्कुल खराब हैं। कोरोना महामारी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी राहत। सहकारी भूमि विकास बैंकों के किसानों को दी राहत। अवधि पार ऋणी किसानों का 50% ब्याज होगा माफ। एक मुश्त समझौता योजना की अवधि को 30 जून तक बढ़ाया। अवधि पार ऋणी किसान जिसकी मृत्यु हो चुकी है उनके परिवारों का संपूर्ण बकाया ब्याज। दंडनीय ब्याज वसूली कर्ज को माफ किया। जयपुर में आज कोरोना का विस्फोट। 4,100 नए कोरोना संक्रमित मिले। बाड़मेर बिना मास्क घूम रहे युवक को टोकने पर अध्यापकों के साथ मारपीट। डोर टू डोर सर्वे के दौरान कार्यरत कर्मचारियों के साथ मारपीट। 5 युवकों ने मिलकर 3 अध्यापकों के साथ की मारपीट। पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। हालांकि अध्यापकों द्वारा पुलिस को नहीं दी गई लिखित रिपोर्ट। श्रीनिधि थाना क्षेत्र का है मामला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी कोरोना को मौत। मुख्यमंत्री गहलोत की रिपोर्ट आई नेगेटिव। गहलोत की धर्मपत्नी सुनीता भी अब कोरोना नेगेटिव। 2 सप्ताह तक होम क्वारंटीन रहे दोनों। विधायक संयम लोढ़ा ने कहा जन जन के आशीर्वाद से हुए स्वस्थ। कोरोना का कहर देश में। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 3,62,727 केस आए सामने। 4,120 लोगों की हुई मौत। हालांकि पिछले 24 घंटे में 3,52,181 लोग इस बीमारी को मौत देकर ठीक हुए। दूसरी लहर में बाड़मेर के इमरजेंसी अस्पताल से पहली राहत भरी तस्वीर। जिले में आज आई बड़ी राहत भरी खबर। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में बेड होने लगे खाली। पिछले कई दिनों से हर 5 मिनट में आ रहा था कोरोना मरीज। इतने दिनों में एक बेड पर दो दो मरीज, वो फर्श पर भी लेटे रहे थे मरीज। इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर वो नर्सिंग टीम ने ली आज रात भरी सांस। राजस्थान में दूसरी लहर का कहर तेजी से फैल रहा था, लेकिन अब थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। गांवों में भी पेशेंट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब डॉक्टर वो नर्सिंग स्टाफ ने राहत भरी सांस, क्योंकि पिछले 24 घंटे में मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और रिकवरी रेट भी 100% से बाहर है। इसी प्रकार से चलता रहे तो आने वाले समय में कोरोना का नामोनिशान खत्म हो जाएगा। फिर से लौट आएगी प्रदेशवासियों के लिए खुशियां। इसी प्रकार की न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एमके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।